सो दोस्तों, आज मैं फिर से अपनी फेवरेट जगह पर जा रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे। सो मैं आज जा रही हूँ महिला हाट। बस इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इस बार मैं 500 रुपीज़ लेके जा रही हूँ, एंड देखते हैं कि 500 रुपीज़ में मैं कितनी सारी बुक परचेज करती हूँ। ये सारी चीज़ें तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगी कि मैंने कितनी बुक परचेज की है। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वैसे तो दोस्तों मैं 500 रुपीज़ में बहुत सारी बुक परचेज कर लेती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो बुक चाहिए जो मेरे पास नहीं है। कितने की बता रहे हैं? वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स ली हैं, बट लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि ये बुक्स मैंने कितने में ली, इसलिए एंड तक देखना प्लीज। सब 50 की है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस व्लॉग को पूरा देखने के आपके ये फायदे हैं कि आपको ये पता चल जाएगा इस महिला हाट में अब कौन कौन सी नई नई बुक कलेक्शन आया। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, एंड पेज की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जब भी आप परचेज करो ना, तो एक बार पेजेस की क्वालिटी चेक कर लेना। यहाँ पर मैं गई थी, यहाँ पे डायरीज मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, 70 या फिर 100 में मिल जाता है। वैसे यहाँ मुझे कुछ नया देखने को मिला था, यहाँ बहुत सारी बायोग्राफी थी जिनको सच में मैं जानती तक नहीं, उन सारे लोगों के आप देख सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे ये कॉमिक्स लगी थी, यहाँ पर मैंने पहली बार देखी थी, एंड ये बहुत ज़्यादा कूल थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी बुक्स हैं, एंड मेरी तलाश अभी भी जारी है। मुझे अपने 500 रुपीज़ यहाँ पर खर्च करके जाने। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे वो बुक चाहिए जो मेरे पास नहीं है। लगता है फाइनली कुछ मिला मुझे, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर्स माइंड, एंड इसके जो पेजेस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड अब मैं आपको बताऊँगी मुझे कितने में मिली है। तो दोस्तों फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ, अब मैं आपको बताऊंगी मुझे कौन सी बुक कितने में मिली है। 500 रुपीस लेकर आए थे यहाँ पर बुक परचेज करने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 500 में से हमने कौन कौन सी बुक परचेज की है। सो हमने ये वाली की है, ईटेड फ्रॉग, ये हमें यहाँ पर 50 रुपीस की मिली है। और ये क्वेश्चन आर दी आंसर, ये वाली बुक हमको मिली है 50 रुपीस की। एंड ये है कॉपी कैट मार्केटिंग 101, ये हमें ओनली 40 रुपीस की मिल गई थी। एंड गेट एपिक शिट डन, ये वाली रुपीज़ आप कहीं भी चले जाओ 100 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगी। हमने सोचा था कि हमें 80 की या 70 की मिल जाएगी, बट हमें नहीं मिली, फिर भी हमने 100 की ये वाली परचेज की। एंड ये बहुत ही फेमस बुक द लीन स्टार्टअप, ये भी हमने सोचा था 50 या 60 80 में मिली जाएगी, बट नहीं हुआ, बट 100 रुपीज़ की ये हमें मिली। अगर आप बाहर जाके परचेज करोगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो ये वाली द रूडेस्ट बुक एवर, ये वाली बुक आप सोचो हमें कितने की मिली होंगी। ये दोनों बुक्स हमें द सीक्रेट ऑफ मिलियन माइंड्स और द रूडेस्ट बुक एवर, ये दोनों हमें 140 की मिली है। तो जो टोटल हुआ हमारी बुक्स का, ये सारी बुक्स हमने ओनली 480 में परचेज किए हैं, 20 रुपये भी हमने इसमें बचा लिए अपने।